Hello students, I am your teacher for this question. So in this question, sometimes when fire extinguishing fire on burning ship, a fireboat will have some of its nozzles pointing away from the fire. Why? ठीक है, तो देखिए होता क्या है, मान लो एक सिप है हमारे पास, ये एक हमारी सिप है, ठीक है, ये हमारी वाटर के अंदर है, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या हुआ, फायर है, ठीक है, मतलब इसके ऊपर आग लगी हुई है, ठीक है। मान यहाँ पर हमारे पास क्या है, इसके ऊपर एक आग लगी हुई है, ठीक है, ये आग है, तो ये आग है हमारी। तो देखिए जब हमारे पास फायर बोट होती है, फायर बोट क्या होती है, ठीक है, ये बर्निंग सिप है, एक फायर बोट होती है जो आग बुझाने के लिए काम में आती है, ठीक है। तो मान लो ये हमारे यहाँ पे एक छोटी बोट है, फायर बोट है ये, ठीक है, ये हमारी फायर बोट है, ठीक है। तो ये क्या करती है, इसमें इस तरीके से नोजल्स लगी होती है, ठीक है, ये नोजल है, ये नोजल क्या करेगी, ठीक है, ये नोजल इसके ऊपर CO2, ठीक है, CO2 से आग को बुझाने के लिए CO2 स्प्रे करेगी, ठीक है। तो CO2 गैस जो है या फिर पाउडर जो है वो इसके ऊपर आएगा, ठीक है, और इसको बुझाने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये नोजल है। लेकिन होता क्या है कि अगर हम देखें इस जो फायर बोट होती है हमारी, ठीक है, अगर हम फायर बोट की बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ नोजल्स हमारी क्या होती है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी होती है, ठीक है, कुछ नोजल्स इसकी अपोजिट साइड में भी होती है। ये अपोजिट साइड में क्यों है, वाई, ये हमारे को क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको अपोजिट साइड में भी नोजल्स क्यों लगाते हैं, ठीक है। इस साइड तो हमारी आग है नहीं, लेकिन फिर भी इस साइड हमने नोजल्स लगाई है, क्यों लगाई है ये हमारे को बताना है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, जब हमारे पास CO2, ठीक है, हमारी इस डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से, किसकी वजह से, मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से ये जो वाटर है, जो CO2 है, ठीक है, मास हमारा मूव हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर जो बोट है या नोजल है इसके ऊपर एक इम्पल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से जो बोट है हमारी वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से इसके ऊपर फोर्स लगा है, हम अपोजिट साइड में कुछ नोजल्स लगाते हैं जो कि इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से ये बोट जो है हमारी वो स्टेबल हो जाती है, बोट हमारी क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। अब स्टेबल होने की वजह से हम आसानी से इसको आग को बुझा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इसके ऊपर नोजल लगाई तो ये बोट मूव करना स्टार्ट होगी, तो हम यहाँ पर एग्जैक्ट निशाना नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, आग के ऊपर, क्योंकि बोट मूवमेंट है, मूवमेंट है कि जो बोट अगर मूव होगी, ठीक है, तो एग्जैक्ट निशाना नहीं लगा पाएंगे, बार बार नोजल को मूव करना पड़ेगा। इसकी वजह से इसको स्टेबल रखने के लिए अपोजिट साइड में भी कुछ नोजल्स लगाई जाती है, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है, किसकी वजह से, मोमेंटम कंजर्व करने के लिए हम अपोजिट साइड में भी कुछ नोजल्स पॉइंट करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज यूज। थैंक यू।